मुख्यमंत्री जी का प्रयास पर्सनल था कि सब जगह वो जा करके सबके से पर्सनली मिल करके और इतना सक्सेसफुल मीटिंग पटना में हुआ, उसी का फॉल आउट है कि एक महीना से कम समय में, लास्ट मंथ 23 तारीख को मीटिंग हुआ था, तो उससे कम समय में अब 17-18 को मीटिंग बेंगलोर में है, मुख्यमंत्री जी जाएंगे वहाँ। बिहार में हुई थी विपक्षी एकजुटता की बैठक, तमाम विपक्ष के नेता किए थे बिहार में आकर बैठक, और अब बेंगलुरु में होने जा रही है बड़ी बैठक और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा गया है पत्र। अब नीतीश कुमार क्या जाएंगे इस बैठक में या नहीं जाएंगे, सवाल आज उनके बेहद खास मंत्री संजय झा जो उनके साथ हर जगह पर जाते हैं, जितने जगह पर नीतीश कुमार मुलाकात करने के लिए गए थे उन तमाम जगहों पर वो उनके साथ में थे, और अब जब पत्र आया है तो उसके बाद क्या नीतीश कुमार इस बैठक में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं बेंगलोर या नहीं, ये सवाल रहा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बेंगलोर जाएंगे और ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और एक महीने में ये दूसरी बैठक होने जा रही है। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि विपक्षी एकजुटता की मुहिम को लेकर जो है वो लगातार नीतीश कुमार एक्टिवेट मोड में थे, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है ये पत्र लिखकर नीतीश कुमार को निमंत्रण भेजा है और नीतीश कुमार इस बैठक में शिरकत करने के लिए भी जाएंगे। चर्चा ये भी है कि लालू प्रसाद यादव को भी जो है वो उस बैठक में शिरकत करना है, लालू प्रसाद यादव भी वहां पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले लगातार यह बातें कही जा रही है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जो चार्जशीट हुआ है उसको लेकर भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या तेजस्वी यादव को अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये तमाम सवालात हैं। लेकिन उसके बीच जो है ये बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में शिरकत करने के लिए नीतीश कुमार बिहार से बेंगलोर जाएंगे और ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, अब तक जो बैठक हुई है और उसके बाद अब इस बैठक में यह चर्चा होगा कि जो कन्वेनर है वो कौन बनेगा, क्योंकि तमाम नेताओं को एकजुट करने की जो जिम्मेवारी है वो नीतीश कुमार ने ली है और एक मंच पर लाया भी है, लेकिन आगे अब किस तरीके से सीटों का मसला है, सबसे बड़ी और अहम बात सीट है, अगर ये सीट बंटवारा ठीक ठाक से कर पाते हैं तो भी संभव है, अन्यथा जो कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जितने भी एकजुटता की प्रयास की गई है जो हुआ है, हालांकि सफल हुआ नहीं, लेकिन इस बार देखना होगा कि आखिरकार क्या होता है। संजय झा बिहार सरकार के मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस बयान को? राज्यों में काफी तेज बारिश हुई है उसके कारण क्या बिहार को लेकर के क्या अलर्ट है? नहीं, सही बोल रहे हैं, मैं जो हाल जो मैं देख रहा हूँ पूरा नॉर्थ, जिस जहाँ सोच नहीं सकते हैं पंजाब हरियाणा इन सब जगह में, हिमाचल इतनी बुरी तरह से वहाँ फ्लड आया हुआ है, और लेकिन बिहार में, और बिहार की चिंता ये है कि बिहार के फ्लड से ज़्यादा चिंता हम लोग को होती है नेपाल में कितना बारिश होता है। मैं कितनी बार बोला हूँ नेपाल साइड में भी जो हम लोग का अलर्टनेस है और बिहार साइड में भी हम लोग पूरी तरह अलर्ट हैं, लेकिन ये पूरा अगला 2.5 महीना 3 महीना फ्लड सीजन है, और जो हाल मैं देख रहा हूँ पर्यावरण में चेंज आ रहा है, इंटेंसिटी बारिश का 2 घंटे में इतना पानी हो जाता है जिसको हैंडल करना मुश्किल होता है, लेकिन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और एक एक चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। मंत्री जी एक एक सवाल और है कि अविनाश भी आपके बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र लिखा है नीतीश जी को, तो क्या माना जाए कि अब जो तैयारी जो नीतीश जी लगे थे उसमें आप लोग आगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का प्रयास पर्सनल था कि सब जगह वो जा करके सबके से पर्सनली मिल करके और इतना सक्सेसफुल मीटिंग पटना में हुआ, उसी का फॉल आउट है कि एक महीना से कम समय में, लास्ट मंथ 23 तारीख को मीटिंग हुआ था, तो उससे कम समय में अब 17-18 को मीटिंग बेंगलोर में है, अब मुख्यमंत्री जी जाएंगे वहाँ पर। सदन नहीं चल पा रहा,